मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम विकास के साथ शांति और सुरक्षा वो उसका अनिवार्य पहलू है। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू है। दुनिया आज असुरक्षा से घिरी हुई है। दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है, और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंकी घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है, और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कितने बड़ी दर्दनाक बातें हैं, और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान, चार दिन के बाद वो अपने आजादी का जश्न मनाएगा, और ये आजादी उनका 100वां साल है। मैं आज लाल किले से अफगानिस्तान के मेरे मित्रों को, जब 100वीं आजादी का उत्सव मनाने जा रहे हैं चार दिन के बाद, मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।